देखिए भावना, निश्चित तौर पर जो एम्स का मसला है वो आप समझ सकती हैं कि जब देश में सिर्फ एक एम्स था तो देश भर के जो लोग थे उनकी निर्भरता वहां पर थी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कई एम्स खेलने के जो प्रस्ताव आए जिसमें पटना एम्स का नाम भी शुमार था। हालांकि पटना एम्स जो है वो अब शुरू हो चुका है और पटना एम्स के चालू होने के बाद जो नेपाल के मरीज हैं और जो उत्तर भारत के जो मरीज हैं उनको काफ़ी वहां पर फायदा पहुंच रहा है। और अगर रेवाड़ी में एम्स का निर्माण, जैसा कि कल राव इंद्रजीत सिंह जो गुड़गांव के सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने ये उम्मीद जताई कि 2 वर्षों में एम्स का निर्माण कर लिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं यह इलाका जो है उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा है, राजस्थान की सीमा से सटा है, दिल्ली की सीमा से सटा है, इन तीनों राज्यों को इसका व्यापक जो है वो मदद मिलने की उम्मीद की जा सकती है। एक राहत का पैगाम हम कह सकते हैं यहाँ के मरीजों के लिए जो गुड़गांव की जाम में फंसते हैं, दिल्ली की तरफ जाते हैं, और हम तमाम लोग जानते हैं कि दिल्ली एम्स पर कितना बड़ा दबाव रहता है। ऐसे में राज्यों को जो एम्स देने की पेशकश, जो पहल प्रधानमंत्री मोदी ने की है, इसकी सराहना जरूर की जानी चाहिए। और राज्यों के एम्स जो है न सिर्फ दिल्ली के एम्स पर भीड़ को कम करेंगे बल्कि लोगों के लिए सुगम और सस्ता और हम कह सकते हैं कि बेहतरीन इलाज का जो साधन है उसको मुहैया कर पाने में और उसको पाने में वो कामयाब हो सकेंगे। हम जानते हैं कि आयुष्मान भारत कार्ड के जरिए 5 लाख तक की इलाज की मुफ्त व्यवस्था भारत सरकार ग्रामीण स्तर के जो मरीज हैं उनके लिए भी कर रही है। ऐसे में जो रेवाड़ी का एम्स है ये लोगों के लिए वरदान साबित होने वाला है। जी राजेश, साथ ही अगर हम आंकड़ों पर भी नजर डालें तो साल 2014 से पहले सिर्फ 7 एम्स थे और साल 2014 के बाद अब 22 एम्स जो है वो बनकर तैयार हो चुके हैं, और साथ ही अगले कुछ दिनों में 7 एम्स का शिलान्यास और लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। ये तो एक अच्छी खबर है ही। साथ ही अगर आज की बात की जाए तो कुरुक्षेत्र में नवनिर्मित अनुभव केंद्र का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। अपने आप में ये संग्रहालय भी बहुत ही विशाल नजर आ रहा है। आप बिल्कुल आपने सही कहा, इसमें जो महाभारत कालीन जो चीज़ें हैं, जो हमारे पुरखे, जो हमारे अतीत ने इसको समेट कर रखा है, उन तमाम अतीत की झलक जो है वो वर्तमान को देखने को मिलेगी उस अनुभव केंद्र में। और कुरुक्षेत्र की जो लड़ाई थी, हम तमाम लोग जानते हैं कि महाभारत की लड़ाई